भीड़ ने छेड़खानी करने वाले शख्स को नंगा करके पीटा। कुछ लोगों ने बताया मुस्लिम समुदाय से है, दावे की सच्चाई आ गई। मोबाइल फोन पर कुछ महिलाओं द्वारा एक व्यक्ति को नग्न करके उसकी पिटाई करने का वीडियो क्लिप इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि वो एक मुस्लिम व्यक्ति है और उसे उत्तर प्रदेश के मेरठ में महिलाओं को छेड़ते हुए पकड़ा गया था। राघव चतुर्वेदी नाम के यूजर ने इस वीडियो को इस कैप्शन के साथ शेयर किया। बाजार में एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू महिला से छेड़छाड़ की। एक अन्य उपयोगकर्ता सतीश अन्ना ने वही वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि मेरठ के एक बाजार में लड़कियों को छेड़ने के लिए मुस्लिम व्यक्ति को भारी कीमत चुकानी पड़ी। बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। इसी वीडियो को कट्टर हिंदू भाटिया नाम के एक यूजर ने भी इसी तरह के दावे के साथ ट्वीट किया था। बाद में उन्होंने ट्वीट भी डिलीट कर दिया। 21 जनवरी 2020 को कई सोशल मीडिया यूजर्स ने यही वीडियो पोस्ट किया था। पोस्ट के अनुसार उस व्यक्ति ने 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कथित अपराध के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए ट्विटर और फेसबुक पर वायरल वीडियो पोस्ट किया। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने जब इन तमाम दावों की पड़ताल की तो हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई है। ऑल्ट न्यूज ने गूगल पर कीवर्ड सर्च किया और वायरल वीडियो के साथ 20 जनवरी 2020 को प्रकाशित टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट मिली। टाइटल में लिखा है, अंबाला छेड़खानी करने वाले की नग्न परेड, नाबालिग लड़कियों के रिश्तेदारों द्वारा पिटाई। रिपोर्ट के मुताबिक 3 नाबालिग लड़कियों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने अपराधी पवन उर्फ सोनू की पिटाई की। शहर की पुलिस ने पवन के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 12 यानी यौन उत्पीड़न की सजा और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 यानी आपराधिक धमकी के लिए सजा के तहत मामला दर्ज किया। अंबाला महिला पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ की सुनीता ढाका ने ऑल्ट न्यूज को बताया, मैंने गिरफ्तारी की और मैं पुष्टि करती हूं कि इस घटना में किसी के साथ बलात्कार नहीं हुआ और आरोपी मुस्लिम नहीं है। पॉक्सो की धारा 12 और आईपीसी की धारा 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। ढाका ने कहा, पवन ने 3 लड़कियों का पीछा किया और अश्लील हरकत की जब वो स्कूल के बाद घर वापस चली गई। सबसे छोटी लड़की ने 20 जनवरी को स्कूल जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी क्लासेस जल्दी खत्म हो रही थी, इस वजह से उसे अकेले घर लौटना होगा। आखिरकार लड़की ने अपनी माँ को पवन के बारे में बताया और माँ ने अपने दोस्तों के साथ अपनी बेटी का पीछा करने का फैसला किया। उन्होंने पवन को पकड़ लिया और बाकी को वीडियो में देखा जा सकता है। नतीजा, वायरल वीडियो को अपराधी को मुस्लिम बताकर झूठे मैसेज के साथ शेयर किया जा रहा है और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा ऐसे अपराध को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया, चंडीगढ़ की घटना का पुराना वीडियो जिसमें छेड़खानी के आरोप में एक व्यक्ति को पीटा गया था, उसको फिर से मेरठ में लड़कियों को परेशान करने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति को निशाने पर लेने के रूप में शेयर किया जा रहा है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, उस वीडियो को डिलीट नहीं किया, हिंदू मुस्लिम का एंगल देखकर उसे वायरल किया जा रहा है। इसे कहते हैं डिजिटल इंडिया, जहां गंदगी फैली है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल खबर आप तक पहुंचती रहे।